नमस्कार, आप देख रहे हैं राही न्यूज। खबर हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र से है। भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज SC/ST मुकदमे में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने SDM के नाम ज्ञापन देकर 5 दिनों में गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आपको बता दें, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील परिसर में पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देकर बताया कि लक्सर कोतवाली में मेनपाल सिंह ने सीधुड़ू गाँव निवासी राजेश गुप्ता आदि के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इससे आरोपितों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 5 दिनों में गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उप जिलाधिकारी के व पुलिस क्षेत्र अधिकारी के ना होने के कारण कोतवाली प्रभारी हेमंत सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत हेमंत सिंह नेगी ने बताया कि SC/ST पंजीकृत मुकदमे में शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है, जिसमें जांच की जा रही है और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने कहा कि यदि आरोपितों के खिलाफ 5 दिन के अंदर यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मुकदमा पंजीकृत हुआ अभी कुछ दिन पहले, जिसकी तफ्तीश, जिसमें हरिजन एक्ट था, जिसकी तफ्तीश CO साहब द्वारा की गई। अब इसका कहना है कि उसी संबंध में ज्ञापन दिया कि इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसमें जांच चल रही है अभी। इसमें लड़ाई हुई थी 3 तारीख को रात्रि 6 बजे और 4 तारीख को रात को राजेश गुप्ता 10 बजे के करीब 6 बंदे ले गए हमारे घर पर चढ़ गया, अंदर घुस के मारपीट करी, गाली गलौज करने लगा, चमार गंदी गाली देने लगा, जिससे कि हमारे बड़े भाई को हॉकी और तमंचे की बट से उन्होंने चोट मार गए, जो मौके पर देख के गाँव वाले इकट्ठा हुए सुनकर, जिससे कि मैं मौका देखकर फरार हो गए और कह के चले गए कि मौका देखते ही मार देंगे जी। यहाँ पर दिया गया है, प्रकरण पीतपुर का है, पिछली 4 तारीख का। कुछ लोगों ने एक दलित समाज के परिवार को घर में घुसकर मारने का काम किया है और फिर मारने के बाद जो है, जो उन्होंने मुकदमा अपना क्षेत्रीय कोतवाली में दर्ज कराया है। मुकदमा 147, 148, 149, 323, 506, 504 SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, जबकि SC/ST एक्ट में अब तक कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो ये घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है राजेश गुप्ता, वो पूरी तरह से जो है इन लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। उसी के विषय में आज हम क्षेत्रीय अधिकारी से मिलने के लिए आए, तो यहाँ पर क्षेत्राधिकारी मौजूद नहीं है, आज किसी मीटिंग में व्यस्त हैं। तो आज जो है जो क्षेत्रीय कोतवाली पड़ती है उनके इंस्पेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी मांग रखी है कि 5 दिन में अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 5 दिन के बाद एक बड़े आंदोलन के लिए यही लक्सर परिसर में ही एक बड़े आंदोलन के लिए भीम आर्मी बाध्य होगी।